Hello everyone, my name is Gaurav. I welcome you to the video which is based on the data sufficiency. Data sufficiency plays a decisive role in the GMAT as it counts for almost 50% of quantitative section. The best part of these type of questions is they are easier than the other topics, but the answer choices can be the tricky one. So we'll take up some easy DS problems to understand how to tackle them. Then we will gradually move to the question which are tricky one. So let's get started. So the DS question structure will be like this. There will be a question with two statements and five answer choices. According to its name, data sufficiency, we need to check whatever data is given in the form of statement is sufficient or not to answer the question. Okay, so let's see example, then we will discuss answer choices. Okay, so the first question is year K is a leap year? And the first statement is saying 8th of January and 22nd of July are on the same day of the week. तो स्टेटमेंट वन हमें चेक करना है किसके हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि ये जिस ईयर की बात कर रहे हैं वो लीप ईयर है नहीं. ओके, तो 8th ऑफ जनवरी एंड 22nd ऑफ जुलाई, करेक्ट. अभी ईयर फाइंड आउट करने के लिए लीप ईयर और नॉट लीप ईयर, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए जनवरी फेब्रुअरी में कितने दिन है, नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुअरी. हम देखते हैं फॉर लीप ईयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहां तक जाना है जुलाई तक. नंबर ऑफ ऑड डेज जनवरी में क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पर अगर 7 माइनस करते हैं, 31 माइनस 7 तो क्या होगा 24. तो 24 यहां पर हम 7 से डिवाइड करते हैं, इसको नंबर ऑफ ऑड डेज 3 हो गए. यहां पर फरवरी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि फरवरी हमें फाइंड आउट करना है जो डिसाइड करेगा ये लीप ईयर है या नहीं. उसके बाद मार्च, मार्च में नंबर ऑफ ऑड डेज 3, अप्रैल 2, 3, 2 एंड जुलाई, जुलाई में 22nd जुलाई तक जाना है हमें, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1. इसको 7 से डिवाइड किया हमने, यहां तक हम आएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पे 0 हो जाएगा. नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो गया. अभी हमने फेब का फाइंड आउट नहीं किया है, ये हमें पता लगेगा. अब हम देखते क्वेश्चन में स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दिया है 8th of January and 22nd of July क्या है? Same day पे. तो ये जो odd days का सम है, ये 7 का multiple होना चाहिए इसके according. 3, 6, 8, 11, 13, 0, 13. Number of days अगर यहाँ पर 1 होगा, तभी तो ये 14 होगा, 7 का multiple. तभी क्या होगा? 8th of January and 22nd of July क्या होंगे? Same day होंगे. करेक्ट. तो स्टेटमेंट फर्स्ट की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईयर के इज अ लीप ईयर, करेक्ट. हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमें? सेकंड 16th ऑफ जनवरी एंड 30th अक्टूबर आर ऑन द सेम. यहां पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है. स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट, हमने नोट कर लिया. इसको हम रब करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल 16th ऑफ जनवरी एंड 30th ऑफ अक्टूबर, ये है सेम डे. ये बोला गया 16th ऑफ जनवरी 30th ऑफ अक्टूबर सेम डे, तो सेम हम फाइंड आउट करते हैं इसके लिए भी. ये हम रब करते हैं यहां से. हमें कहां तक जाना है? अक्टूबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. ओके, यहां पे फरवरी तो हमें फाइंड आउट करना है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं. अभी जनवरी हमारा क्या है? 16 जनवरी. तो 16 जनवरी हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज हम रिमूव कर रहे हैं और 16 से हमें काउंट करना है. फिर से नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पे क्या होंगे? 1, 15th ऑफ जनवरी, 1 ऑड डे यहां पर हो गया. उसके बाद फेब में हमें डिसाइड करेगा या बाद में हम चेक करते हैं. मार्च 3, 2, 3, 2, जुलाई 3, अगस्त 3, नंबर 2,
अभी अक्टूबर चेक करते हैं, अक्टूबर में हमें कहाँ तक जाना है, 30th अक्टूबर, 28 मल्टीपल हो गया, रिमेनिंग वन डे हुआ, ऑड डे, तो सेम यहाँ पे वन हो गया। अभी हम इन सबको सम कर दें, 4, 6, 9, 11, 14, 19, 20 हो रहा है, और इन स्टेटमेंट में हमें गिवन है 16th जनवरी और 30th अक्टूबर को सेम डे है, तो सेम डे होने के लिए इन सबका सम क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 7 कभी होगा, जब यहां पर 1 होगा, इसी केस में होगा। तो ये यहां से भी हम, अगर ये 1 होगा तो यहां से हम आंसर कर सकते हैं कि ये लीप ईयर, सेम लास्ट स्टेटमेंट 1 में भी क्या था, लीप ईयर था, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी देखते हैं आंसर चॉइसेस। चॉइस 1 में कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, करेक्ट, स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नॉट द सेकंड। ओके, तो ये चॉइस ए तो चॉइस नहीं हो सकता हमारा, चॉइस बी में सिर्फ बोल रहा है स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 की हेल्प से भी हम आंसर कर रहे हैं। चॉइस 3 में ऐसा बोल क्या बोल रहा है, चॉइस 3 में बोल रहा है कि अलोन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, अलोन भी ये लोग कर सकते हैं आंसर, किसी भी एक स्टेटमेंट की हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं। चॉइस डी, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये हमारा वैलिड आंसर क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से हम आंसर कर रहे हैं। अभी चॉइस 5 भी देख लेते हैं, चॉइस ई भी देख लेते हैं, चॉइस ई दे आर नॉट टुगेदर टू सफिशिएंट, ओके, चॉइस ई में बोल रहे हैं कि दे आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन इवन टुगेदर, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, चॉइस डी, करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 3 वुमेन कैन डू द वर्क, तो स्टेटमेंट 1 इज सेइंग 20 मैन एंड 12 वुमेन डू द वर्क इन 8 डेज, सो स्टेटमेंट 1 सेइंग 20 मैन एंड 12 वुमेन डू द वर्क इन 8 डेज, ये मैं फाइंड आउट करना है यहां पर 5 मैन एंड 3 वुमेन, ये फाइंड आउट करना है। ओके, अगर हम इसको देखें, अगर इस इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करते हैं, ये हमें क्या मिलेगा यहां पे, 5 मैन 3 वुमेन 2, 4 5 20, 4 3 12, 4 2 8, तो ये आ गया हमारा, यही तो हमें फाइंड आउट करना था, 5 मैन 3 वुमेन आंसर क्या होगा, 2 डेज, तो स्टेटमेंट 1 अलोन, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, ये हो गया। नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड इज सेइंग 15 मैन, स्टेटमेंट सेकंड 15 मैन एंड 4 वुमेन, 4 वुमेन डू द वर्क इन 6 डेज, ये बोल रहे हैं। अभी यहां से हमें अगर फाइंड आउट करना है 5 मैन एंड 3 वुमेन, तो यहां पे ऐसा कोई रेशियो नहीं बन रहा है यहां पे जिससे हम इसको डिवाइड करें और ये फाइंड आउट करें, तो स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग चॉइसेस क्या हो जाएंगे हमारी, आंसर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट यहां पे सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सफिशिएंट है आंसर करने के लिए क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 से हम आंसर नहीं कर सकते, तो यहां पे आंसर क्या होगा हमारा, चॉइस ए, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 डजंट गिव आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 137 इयर्स, व्हाट इज सीज एज, ओके, सो सी का ये फाइंड आउट करना है, एंड स्टेटमेंट 1 इज सेइंग
sum of ages of A and C is 91. A plus C, 91 years. ये है यहाँ पर. तो पहले स्टेटमेंट वन को देखते हैं, इसका स्टेटमेंट टू देखते हैं. स्टेटमेंट वन सेम, ए प्लस सी इज 91 ईयर. क्वेश्चन में गिवन हमें द सम ऑफ एजेस ऑफ ए प्लस सी इज 137 ईयर्स, करेक्ट. ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 91 प्लस बी इक्वल्स टू 137, बी इक्वल्स टू 137 माइनस 91, ये हो गया. यहाँ से वैल्यू मिली 37 एंड 9, 46, बी इक्वल्स टू हो गया 46. अभी मैं बी की वैल्यू मिल गई यहाँ से, लेकिन हम क्या सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ हमें सम गिवन है ए प्लस सी, हमें बी की वैल्यू मिली है यहाँ से. अभी हम सी को नहीं फाइंड आउट कर सकते यहाँ से. स्टेटमेंट वन से सी की वैल्यू तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. चलो अभी सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते. स्टेटमेंट सेकेंड इज सेइंग द सम ऑफ एजेस ऑफ बी प्लस बी एंड सी इज 104. 104 बी प्लस सी इक्वल्स टू 104, ये गिवन है. ये क्वेश्चन सेकेंड मान लेते हैं इसको, क्वेश्चन थर्ड कर देते हैं इसको. थर्ड ये हो गया, सेकेंड ये हो गया वन. इक्वेशन थर्ड पुट करते हैं हम इक्वेशन टू में. बी प्लस सी, ए प्लस 104 इक्वल्स टू 137. तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई हमारी, 33. अभी ए यहाँ से 33 आ गया. अभी सी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम यहाँ से? ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट टू कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ सी. सेम ऐसा ही केस हो गया स्टेटमेंट वन टाइप में, यहाँ से हम सी फाइंड आउट नहीं कर सकते. अभी यहाँ पे हमें ए गिवन है, बी गिवन है. अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें और इस रिजल्ट इक्वेशन सेकंड में पुट करें, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन सेकंड में पुट करें, क्या हो गई, 33 प्लस 46 प्लस सी इक्वल्स टू 137. ये सम किया क्या हुआ, 9, ये क्या हुआ 7 प्लस सी इक्वल्स टू 137. तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, इसको माइनस किया 58, यहाँ से हमें क्या मिलेगी वैल्यू 58. तो यहाँ पे आंसर क्या होना, कौन सा चॉइस आंसर होना चाहिए? स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन? नहीं, फर्स्ट से तो कर ही नहीं सकते. स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो चॉइस बी भी नहीं होगा. जब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो फिर चॉइस क्या होना चाहिए, हमें चॉइस सी होना चाहिए ना. स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चॉइस सी, करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन आर इन देयर इन द क्यू. स्टेटमेंट वन इज सेइंग इन द क्यू वैशाली इज 10 फ्रॉम द फ्रंट एंड अविनाश इज 15 फ्रॉम द एंड. स्टेटमेंट वन देखते हैं. स्टेटमेंट वन इज सेइंग वैशाली इज 10 फ्रॉम द फ्रंट. ऐसा कुछ होगा 10, ये हो गया 10th वैशाली, यहाँ पे 10 पीपल हो गए, ये वैशाली हो गए. एंड अविनाश इज 15 फ्रॉम द एंड. अविनाश इज 15 फ्रॉम द एंड, इधर ये अविनाश हो गया, इधर 15 पीपल हो गए, इधर 10 हो गए. एंड वी डोंट नो हाउ मेनी पर्सन बिटवीन अविनाश एंड वैशाली. और ऐसा भी कुछ केस हो सकता है, अविनाश यहाँ कहीं हो 15, वैशाली यहाँ कहीं हो, ये 10 हो गया, ऐसा केस भी हो सकता है. तो दोनों केस पॉसिबल है. स्टेटमेंट वन की हेल्प से हम आंसर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, करेक्ट. अभी स्टेटमेंट टू देखते हैं. स्टेटमेंट टू इज सेइंग इन द क्यू देयर आर 5 पर्सन बिटवीन वैशाली एंड अविनाश. अब ये वाला केस सॉर्ट हो गया हमारा कि कितने लोग हैं बीच में. वी नो देयर आर 5 पीपल बिटवीन
वैशाली एंड अविनाश। तो यहां पे दो केस होंगे, दो केस हो सकते हैं यहां पे। एक तो केस ये हो सकता है ऐसा कुछ, वैशाली वैशाली अविनाश, यहां पे क्या है 1 2 3 4 5, ये 10th, ये 15, इधर 10 पीपल है, इधर 15, यहां पे 10, 15 और यहां पे क्या है बीच में 5। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 30 आंसर हो गया हमारा इसके अकॉर्डिंग। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेकंड, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, एक केस तो ये हो गया केस वन। अभी केस टू क्या पॉसिबल हो सकता है, केस टू जब ये ओवरलैप कर रहा है, केस वैशाली इधर है यहाँ पर, वैशाली और अविनाश कहीं यहाँ पर है, अविनाश, देयर आर फाइव पीपल 1 2 3 4 5, बताए ये क्या है 10th पोजीशन, ये क्या है 15th पोजीशन। अभी ये 10th पोजीशन है, यहाँ पे कितने लोग और बचे हैं, 3 6 7, 1 2 3, ये हो गया 3, ये 15th पोजीशन है, तो यहाँ पे कितने और लोग होंगे, कितना हो गया 3 6 7, अभी 8 और होंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा। अब टोटल नंबर ऑफ पीपल इस केस में कितने हुए, ये तो हो गया यहाँ से 4 इधर हो गए, ये 5 हो गया और ये इधर कितना हो गया 9 ही हो गया 18। तो यहां पर हमें दो आंसर मिल रहे हैं, कोई करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा, जब इवन हम कंबाइन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को कंबाइन टुगेदर सॉल्व कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है हमें स्टेटमेंट या आंसर हमें नहीं मिल रहा। तो यहां पर कौन सा आंसर होना चाहिए, फर्स्ट चॉइस तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कंबाइन करके भी आंसर नहीं मिल रहा है, थर्ड रिजेक्ट हो गया, फोर्थ वन अलोन इज नॉट फिटिंग, तो आंसर क्या बचा हमारा, चॉइस ई, दे बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉली सेज 10% ऑफ हिज इनकम, व्हाट इज हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है जॉली का, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट वन में इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, जॉलीज इनकम इज 5000 लेस देन तान्याज इनकम, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, स्टेटमेंट वन क्या है, तान्या और जॉली की सैलरी में 5000 का डिफरेंस है, क्वेश्चन वन हो गया, कैसे कर लेते हैं। और हमें क्या गिवन है, जॉली का जो इनकम है वो क्या है 10% सेविंग है, 90% एक्सपेंडिचर है, ये ऐसा कुछ है डेटा। अब इसकी हेल्प से हम आंसर तो ये तो नहीं बता सकते कि जॉली का एक्सपेंडिचर कितना है, परसेंटेज के टर्म्स में बता सकते हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इस स्टेटमेंट वन से तो हम आंसर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का। अभी स्टेटमेंट टू चेक करते हैं, अभी स्टेटमेंट टू इज से जॉली सेविंग इज इक्वल्स टू द तान्याज एक्सपेंडिचर एंड तान्याज इनकम इज 15,000। तो यहां से हमें पता लगा तान्या का जो इनकम है 15,000 है, ये हो गया, और जॉली का जो सेविंग है 10% ऑफ जॉली इनकम इक्वल्स टू द तान्याज एक्सपेंडिचर। अभी हमें अगर जॉली का इनकम अगर पता होता तब तो हम ये बता सकते हैं, एक्सपेंडिचर रिलेट कर पाते, लेकिन हमें जॉली का इनकम नहीं पता है यहाँ से, तो हम अभी ये एक्सपेंडिचर तो नहीं बता सकते यहाँ से, और ये नहीं बता सकते इसके आगे, फिर हम फर्दर भी सॉल्व नहीं कर सकते जो हमें फाइंड आउट करना है जॉलीज एक्सपेंडिचर। तो स्टेटमेंट टू की हेल्प से भी हम अपना क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, तो अब देखते हैं हम अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, स्टेटमेंट वन और टू को अगर कंबाइन करते हैं तो ये इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे अगर ये तान्या का इनकम 15,000 है तो यहाँ से जॉली का इनकम क्या हो जाएगा, जॉली का इनकम हो जाएगा यहाँ से 10,000, ये 10,000 हो गया, हमें फाइंड आउट करना है जॉली का एक्सपेंडिचर, वो हमें पता है वो क्या है 90%, तो 10% ऑफ दिस विल बी 1000,
एंड ये 9000 एक्सपेंडिचर हो गया। ये हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, ये एक्सपेंडिचर कितना है 9000। तो यहां पे चॉइस क्या हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट वन एंड टू यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो चॉइस सी विल बी आवर आंसर।